फॉरेस्ट हैं, पूरे फॉरेस्ट में हमारे पास जल संरक्षण काम हर प्रतिवर्ष किया जाता है। इस वर्ष भी हमने हर जगह चाल खाल टंचे खोदी हैं, उसमें जो है घास लगाई है, जिसका हमको लाभ मिला है। पिछले गत वर्ष भी हमारे 7-8 प्लॉट थे, वहाँ पर जो है हर चॉइस में पहली प्राथमिकता रहती है कि उसका रोजगार गाँव वालों को ही दिया जाए, जो भी काम है गाँव वाले ही करें, और उसमें 3 साल के लिए हमें चौकीदार रखते हैं, उसी गाँव का होता है। कोशिश का सब नियंत्रण करने के लिए हमने अपने फायर प्रोटेक्शन बनाए हैं जगह जगह, जिस पे श्रमिक रखे हुए हैं, कहीं पर अगर इंसिडेंट होता है तो उसको तुरंत नियंत्रित कर लिया जाए। और इसमें अभी हमारा एक पिरुल प्रोजेक्ट भी हमारा संचित प्रोजेक्ट के साथ जीवो साहब का एमआई हुआ है कि ग्रामीणों की महिलाओं के द्वारा पिरुल कलेक्शन किया जाएगा और जिसको 6 रुपये किलो के हिसाब से प्रति महिला को दिया जाएगा समूह के माध्यम। हाय माई डियर ऑल, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज पर्यावरण संबंधी चिंताएं इतनी बढ़ चुकी हैं कि आने वाले समय में पर्यावरण का भयानक रूप दिखने वाला है। लेटेस्ट अपडेट ये है कि 18 मार्च 2022 को एंटार्क्टिका रिसर्च स्टेशन पर -12.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है, जबकि मार्च में इस स्थान पर सामान्य तापमान -50 डिग्री सेल्सियस रहता है। ये अलार्मिंग सिचुएशन है कि एंटार्क्टिका में तापमान सामान्य से 40 डिग्री ज़्यादा पहुंच चुका है, विच इज अनबिलीवेबल। दूसरी ओर ये भी देखने में आ रहा है कि किस तरह से ग्लेशियर्स टूटकर बर्फ का दरिया बन रहे हैं। पृथ्वी पर अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख ग्लेशियर्स हैं। रिसर्च के हवाले ये बताया गया है कि अगर कार्बन का विसर्जन इसी तरह से चलता रहा तो बहुत जल्दी ही 2/3 ग्लेशियर्स ख़त्म हो जाएंगे। पीने के पानी का मेन सोर्स सरफेस वाटर है, जो कि नदियों, झीलों और रिजर्वायर के रूप में है। कल्पना करिए, अगर ग्लेशियर्स से पानी आना बंद हो गया तो कितना भयानक दृश्य होगा। चारों ओर पानी के लिए त्राही त्राही मची होगी। तापमान में बढ़ोतरी का मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि है, जिसकी एक बड़ी वजह फॉरेस्ट फायर है। उत्तराखंड में फॉरेस्ट फायर एक रेगुलर फीचर बन चुका है। चीड़ के जंगलों में, यानी कि पाइन फॉरेस्ट में, हर साल आग लगती है, जिसकी वजह सूखी पाइन निडल्स हैं, जिनको लोकल भाषा में पिरूल कहा जाता है। अप्रैल के महीने में ज़मीन पर पिरूल की चादर सी बिछ जाती है। पिरूल इनफ्लेमेबल होने की वजह से बहुत जल्दी आग पकड़ता है और आग आसानी से फैल जाती है, और हवा इस आग को फैलाने में सहायक होती है, और इस तरह से कुछ ही घंटों में आग एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक पहुंच जाती है। ध्यान देने की बात यह है कि जब सबको पता है आग लगने का कारण पिरूल है, तो क्या समाधान पर एक्शन नहीं लिया जा सकता है? क्या उत्तराखंड में चीड़ के जंगलों में आग लगने की घटना पर काबू पाना इतना मुश्किल है? माना कि आग लगने की घटना को 0 पर नहीं लाया जा सकता है, लेकिन काफ़ी हद तक कम तो किया जा सकता है। आपको बता दूं, एज पर डेटा टोटल फॉरेस्ट का केवल 16% ही पाइन फॉरेस्ट है, और उसमें से भी हाई रिस्क जोन में आसानी से स्थानीय लोगों की मदद से मार्च अप्रैल के महीने में पिरूल को हटाया जा सकता है, जिसे स्थानीय लोग खुशी खुशी करेंगे, क्योंकि इससे उन्हें रोजगार मिलेगा और अपने जंगलों से लगाव भी बढ़ेगा। दूसरी बात, जंगल की आग को पानी के द्वारा ही बुझाया जा सकता है। इसके लिए चीड़ के जंगलों में जगह जगह पर शैलो पिट्स कम्युनिटी की हेल्प से बनाए जा सकते हैं, जिससे ज़मीन में मॉइस्चर बना रहेगा, और इन केस आग लगती भी है तो आग की फैलने की इंटेंसिटी कम होगी, और ज़मीन में मॉइस्चर बने रहने की वजह से धीरे धीरे ज़मीन चौड़े पत्तियों वाली स्पीसीज की प्लांटेशन के लिए एक सूटेबल हैबिटेट बनती जाएगी, और भविष्य में पाइन फॉरेस्ट मिक्स्ड फॉरेस्ट से रिप्लेस हो जाएंगे, और साथ ही जंगली जानवरों को पीने के लिए पानी मिलेगा तो उनका गांव की ओर मूवमेंट भी कम होगा। तीसरी बात, औद्योगिक संस्थानों में पिरूल पर एक्सटेंसिव रिसर्च की जा सकती है, ताकि इससे अन्य बाई प्रोडक्ट्स बनाए जा सके।
अगर इन बातों पर अमल किया जाता है तो पर्यावरण इररिपेयरेबल नुकसान से बचा रहेगा। फॉरेस्ट फायर में खर्च होने वाली धनराशि को जंगलों को पुनर्जीवित करने और स्थानीय लोगों को रोजगार देने में काम में लाया जा सकता है। सच ही तो है, पांचों उंगलियां मिलकर जब मुट्ठी बनाती हैं तो उसकी पावर कई गुना बढ़ जाती है। तो चलिए मैं आपकी मुलाकात कराती हूँ वन क्षेत्र अधिकारी से, जानते हैं उनकी क्या राय है इस बारे में। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं आप लोगों को मिला रही हूँ मुकुल चंद शर्मा जी से, जो वन क्षेत्र अधिकारी हैं यहाँ पर भवाली रेंज में। तो आजकल यहाँ पर जो आपके उत्तराखंड है, यहाँ पे फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंट्स काफी देखने को मिल रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना डायरेक्ट सर से ही बात की जाए और उनके व्यूज इस बारे में लिए जाए। तो सर एक चीज ये बताइए कि जो ये फॉरेस्ट फायर है ये जनरली पाइन फॉरेस्ट में ही लगती है। ये फायर तो कहीं भी आग लग जाती है, ओक फॉरेस्ट में भी लगती है, जो है कि पिरू में भी ज्यादा लगती है क्योंकि इसमें ऑयलिंग होता है, तो इसमें कहीं ना कहीं किसी उससे इंटेंस से लग जाती है। मतलब जो उसके नीडल्स होती है वो इनफ्लेमेबल होती है, तो जनरली जो हमारा जो पाइन फॉरेस्ट है उसमें ज्यादा आग लगती है। हाँ, उसमें लगती है। हाँ, तो सर इसकी वजह क्या होती है जनरली आग लगने की? इसकी मेन वजह ये होती है कि कभी जो है आते जाते हमारे जो इतने भी पर्यटक है कहीं बैठते हैं, कहीं उनने सिगरेट का प्रयोग किया, या ग्रामीण जो है अपने घरों को जाते समय आते समय कोई लापरवाही से माचिस लगा दिया, और कुछ लोगों की भावना यह है कि इसको जलाने से घास अच्छी होगी, इस भावना से भी कोई कहीं ग्रामीण इसको जला देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जहां पर जो है आग नहीं लगती वहां भी घास अच्छी होती है। ओके। हाँ, वैसे मैंने भी ये नोटिस किया था कि जनरली जहां पर लोग ज्यादा रहते हैं जो आग है वो जनरली उस एरिया से शुरू होकर ऊपर को बढ़ती है, तो इसका मतलब जहां पे रेजिडेंशियल एरिया है वहां पे हो सकता है कि इंटेंशनली ये आग या कोई अपना बीड़ी वगैरह या किसी और वजह से या कोई झाड़ियां वगैरह हैं उनको जलाने के लिए लगा दी जाती है और फिर वो फैलती जाती है। जी हाँ, अपने घरों के पास तो लोग नहीं लगाते हैं, कहीं अपने आसपास रास्ते में लगा देते हैं, लेकिन उनके घर तक पहुंच जाती है, इतना उनका महसूस नहीं होता कि मेरे यहाँ लग गई। जब लग जाती है तो फिर परेशानी होने लगती है। सर जैसे कि अभी मैंने देखा था लगभग अभी तक 600 से ज्यादा केसेज फॉरेस्ट फायर के रिकॉर्ड हो चुके हैं और हर साल ये होता है, तो इसके लिए एडवांस में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट किस तरीके से तैयारी करता है? हम लोग इसका जो है फरवरी से जो है कंट्रोल बर्निंग करते हैं, जितने भी ब्लॉक्स हैं उनमें फायर लाइन्स हमारी बनी हुई हैं, उन फायर लाइन को हम साफ करते हैं, ग्रामीण में उसकी बैठक करते हैं, उनको अवेयरनेस जागरूकता का इस तरीके से आग जल्दी ना हो उससे बचाया जा सके, ये सब कार्य हम जो है जहां जहां हमसे रोड साइड में है सब इनको हम सफाई करते हैं। सर जैसे मैं देख रही थी क्या कहते हैं वेबसाइट वगैरह पे देख रही थी कि इसके क्या कारण हो सकते हैं, तो जो जनरली जो नेचुरल कॉजेज हैं वो तो यही है कि या तो कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो गया या कहीं पे लाइटनिंग वगैरह हो गई, और जो आपके पाइन फॉरेस्ट है इसकी जो नीडल्स हैं ये बहुत जल्दी आग पकड़ लेती हैं सूखी होने की वजह से, तो इसलिए आग लग जाती है। लेकिन अभी तो इस बीच मैंने अगर मैं यहाँ पर भीमताल की बात करूं या भवाली की बात करूं या नियर बाई एरियाज की बात करूं तो कहीं पे ऐसी लाइटनिंग वगैरह भी नहीं है, कुछ ऐसे शॉर्ट सर्किट के केसेस भी नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी आग लगी है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो हम लोग हैं ह्यूमन बीइंग्स जो हैं उनकी नेग्लिजेंस ही एक वजह हो सकती है ऐसा लगता है जी, आग लगने की वजह से उनकी वजह से है कि इसी लापरवाही की वजह से आग लग जाती है। और लाइक मैं देखती हूँ कि यहाँ पर अभी जैसे गर्मियों में है तो जितनी भी जो छोड़े हुए जो प्लॉट्स वगैरह हैं जिनमें झाड़ियां वगैरह आ जाती हैं वो झाड़ियां सूखती हैं और लोग उसमें आग लगा देते हैं। उसमें भी लोग अपने जो है कि कोई वाइल्ड लाइफ ना आए ये नहीं आए तो उसको भी वो साफ करा देते हैं। अच्छा सर एक बात और बताइए, जैसे कि जो हमारा पाइन फॉरेस्ट है अगर हम टोटल फॉरेस्ट की बात करें उत्तराखंड की, तो मैं देख रही थी वेबसाइट वगैरह पे देख रही थी कि लगभग 18 से 20% तक हमारा चीड़ का फॉरेस्ट है, तो कंपैरेटिवली काफी कम है टोटल, मतलब 71% तो हमारा फॉरेस्ट एरिया है तो चीड़ का काफी कम है, और ये इतने सालों से ये इंसिडेंट होते ही रहते हैं कि मतलब फॉरेस्ट फायर तो लगती रहती है,
तो क्या हम कोई और ऐसी टेक्निक नहीं यूज कर सकते हैं? ऐसी कोई टेक्निक डेवलप नहीं हुई है कि जिससे कि ये फॉरेस्ट फायर अगर लगे भी तो इसकी इंटेंसिटी कम हो, या ये पूरे एरिया को कवर ना कर पाए, ऐसा कुछ? इसके सब नियंत्रण करने के लिए हमने अपने फायर प्रोटेक्शन बनाए हैं जगह जगह, जिसपे श्रमिक रखे हुए हैं, कहीं पर इंसिडेंट होता है तो उसको तुरंत नियंत्रित कर लिया जाए। और इसमें अभी हमारा एक पिरुल प्रोजेक्ट भी हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ डीपो साहब का एमआई हुआ है कि ग्रामीणों की महिलाओं के द्वारा पिरुल कलेक्शन किया जाएगा और जिसको 6 रुपए किलो के हिसाब से प्रति महिला को दिया जाएगा, समूह के माध्यम से काम करा जाएगा। ये अभी इसी वर्ष से चालू हो रहा है और अभी प्रारंभिक मामला है, और अगर इसको अच्छे से चलेगा तो वह इससे काफी कुछ पिरुल से हट जाएगा और आपकी घटनाएं नहीं होंगी। हाँ नहीं, यही मैं भी सोच रही थी, मैंने कहा पिरुल से जो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, अगर वो हमारा फरवरी से ही इसकी पत्तियां जो नीडल्स हैं उसकी पाइन की गिरनी शुरू हो जाती हैं, अगर हम इनको इकट्ठा कर लेंगे तो आग लगने के चांसेस कम हो जाएंगे। ये मैक्सिमम जो है इसका पिरुल की नीडल्स जो है अप्रैल में ज्यादा गिरती है। अच्छा, फरवरी मार्च में थोड़ा सा उसमें पकती है और उसमें गिरने की स्थिति में रहती, हरा रहता है इसलिए उस समय कम होता है, तो उस समय तो हम जितना भी मैक्सिमम होता है वो साफ कर लेते हैं। अच्छा, हर जगह। लेकिन अप्रैल में कोई हवा चली या एकदम पीक टाइम होता है उसका पका हुआ, टेम्परेचर अलग बढ़ा हुआ होता है, ये सबको देखते हुए जो है वो तुरंत आग पकड़ लेता है। इसके लिए अभी जो हमारे सर ने किया है पेपर मिल के साथ में कि ये अपना पिरुल उसको कलेक्ट करें, जगह जगह महिला समूह बनाए जाएंगे और महिला समूह के द्वारा जो है पिरुल इकट्ठा किया जाएगा और उसको पेपर मिल लेके जाएगी, उसके अभिनंदन को धनराशि दी जाएगी। सर एक बात और बताइए, लाइक अगर पहले की बात करें तो पहले जो गांव वाले होते थे उनका अपने जो पास के जो जंगल होते थे उनसे एक बड़ा अटैचमेंट रहता था, लेकिन अब वो अटैचमेंट थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है, ऐसा क्या वजह लगती है आपको? क्या फॉरेस्ट का, क्या गवर्नमेंट का ज्यादा इंटरफेरेंस है और गांव वालों को मतलब गांव वालों का उसमें उतना ज्यादा आना जाना, या गांव वालों के लिए गांव वालों को उन सब चीजों से दूर रखा जाता है, या क्या वजह आपको लगती है? ग्रामीणों का पहले जो एक था उनका एक गाय भैंस ज्यादा होते थे, घास डालते थे, अपने काम में बिजी रहते, उन्हें लगे कि आग लगेगी तो हमारे घास कम हो जाएगा। अब यह ग्रामीणों में लोगों में गाय भैंस भी कम रख दी है, सबकी इच्छा रहती है कि मैं थोड़ा सा पढ़ूं और दिल्ली चले जाऊं, अब जो कुछ बचे हैं वही कुछ कर पाते हैं, तो उनकी काम करने की कैपेसिटी भी कम है, या वो जानवर आजकल पहले हर घर में एक जानवर दो जानवर होते थे, अब वो जानवर नहीं होते हैं तो उनका अटैचमेंट वैसे भी कम हो गया है। सर क्या कुछ ऐसा नहीं किया जा सकता है, जैसे कि एक तो जो हमारा पाइन फॉरेस्ट है वहां पे क्या कहते हैं आपका ज्यादा वो रहता है, सॉइल जो रहती है वो सूखी भी ज्यादा रहती है, मतलब वो पानी को रिटेन कम करता है पाइन फॉरेस्ट जी। और तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि वहां पे लाइक समर में हम खालचाल टाइप की चीजें गड्ढे से बना लें? हम और जो है कि जहां भी पाइन फॉरेस्ट है पूरे फॉरेस्ट में हमारे पास जल संरक्षण काम हर प्रतिवर्ष किया जाता है। इस वर्ष भी हमने हर जगह चाल खाल टंचे खोदी हैं, उसमें जो है घास लगाई है जिसका हमको लाभ मिला है। पिछले गत वर्ष भी हमारे 7-8 प्लॉट थे, कहीं भी उसमें आग की दुर्घटना नहीं मिली, तो अच्छा। पानी के रहने से उसे मॉइस्चर रहता है और जल स्रोत भी उससे डेवलप होते हैं। ये काम हम 2-3 सालों से और कई सालों से कर रहे हैं, इधर ज्यादा कर रहे हैं। लेकिन अगर हम डेटा को देखें तो डेटा में तो आग लगने के इंसिडेंट्स कम नहीं हुए हैं, या तो बढ़े ही हैं, या जैसे कोविड वाले पीरियड था ठीक है उसमें बिल्कुल कम थे, अदरवाइज फायर के इंसिडेंट्स जो हैं वो बढ़े ही हैं। फायर के इंसिडेंट जो है हमारे जो मैंने बताया ना वो पर्यटकों की लापरवाही से लगते हैं, क्या हमारे ग्रामीणों की लापरवाही से हुए हैं। नेचुरल तो बहुत कम होता है कि ट्रांसफर फूक गया या कुछ ऐसी कभी चांस हुए, ज्यादातर जो है इस तरीके से घटनाएं होती हैं। सर आपको कम्युनिटी का कितना सपोर्ट मिलता है, गांव वालों का कितना सपोर्ट मिलता है, कितने अवेयर रहते हैं वो लोग? नहीं, जो हम लोग जो बैठक है तो उनकी करते हैं फरवरी में, हमको ग्रामीणों का भी काफी सहयोग रहता है, ऐसा नहीं है कि जो नहीं होता है, कुछ कम कुछ ज्यादा तो ये हर जगह लगा रहता है। और अभी भी मेरे रामगढ़ में कई हमारे कम्युनिटी के लोग हैं, महिला समूह हैं, ये लोग जो है आपको अपने आप जो है कंट्रोल करती हैं, समय से बताती हैं और कंट्रोल भी करती हैं। सर आपके पास सफिशियंट स्टाफ होता है क्या? हाँ, स्टाफ हमारे पास भी है ही, हम उसके लिए हमने क्वेश्चन बनाए हैं, उसमें हमको फायर के लिए अलग से क्वेश्चन के हिसाब से आदमी दिए जाते हैं और आवश्यकता पड़ने पर बढ़ा भी सकते हैं उसको।
अच्छा सर, एक मेरा मेरी क्वेरी थी कि लाइक इतनी ज्यादा जब आग लग जाती है तो उसमें क्या हम इसके लिए एरियल वाटर को स्प्रिंकल नहीं कर सकते हैं? अब जहाँ पैदल चलना संभव नहीं है, यस, एकदम खड़ी चट्टान हूँ, हम आपको देख ही सकते हैं। हाँ। जहाँ जाने का रास्ता है वहाँ कंट्रोल कर सकते हैं, उसको तो फिर ऊपर टॉप तक जाने जाना है। यस, तो इस वजह से भी वो जल्दी रहती है। नहीं नहीं, एरियल जैसे हेलीकॉप्टर के थ्रू या किसी के थ्रू ऊपर से वाटर को मतलब स्प्रिंकल कर दिया जाए। स्प्रिंकल भी करते हैं, हमारे 2016 में हेलीकॉप्टर द्वारा बुझाई गई और अभी गत वर्ष भी हमारे पास हेलीकॉप्टर आया था, सरकार ने व्यवस्था की थी, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी, तब तक जमीन से कंट्रोल हो गई थी। सर एक बात और बताइए, लाइक जो पाइन है ये यहाँ का नेचुरल तो नहीं है, लगभग 300 साल पहले ही इसकी प्लांटेशन लार्ज स्केल पे की गई है। जी, तो क्या हम इसके पाइन के साथ किसी और को ग्रो करके फ्यूचरिस्टिक कुछ ऐसा प्लान कर सकते हैं कि पाइन के साथ मतलब मिक्स्ड फॉरेस्ट हो जाए और धीरे धीरे जो हमारी सॉइल है उसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाए? ऐसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मतलब लाइक इतना टाइम हो गया है ये जो आग लगने वाले केसेज हैं, लेकिन अभी तक मैं मतलब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपसे शेयर कर रही हूँ कि मतलब एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से एक सेटिस्फैक्ट्री सोल्यूशन नहीं मिला है। अभी हम लोग जहाँ भी पाएंगे जंगल है उस पर जो है मिसलेनियस प्लांटेशन कर रहे हैं। अच्छा, उस पर जो है ओक लगाया है हमने और जो है और भी जड़ी बूटी के पौधे लगाए हैं, आंवला लगाया है ताकि उसमें नई ग्रोथ है, बाढ़ हो सके, और जल संरक्षण भी किया हुआ है ताकि जो है पाइन के बाद फ्यूचर में ये ग्रोथ डेवलप करे। लेकिन देखने में मतलब ऐसा कुछ, अगर मैं लेमैन की भाषा में कहूँ तो मतलब आम आदमी को ऐसा कुछ देखने में नजर नहीं आता है कि मतलब पाइन दिखता है तो केवल मोनोकल्चर पाइन ही दिखता है, मतलब उसके साथ कुछ और दिखता नहीं है। अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ये सब किया है तो वहां पे कहीं सैपलिंग्स वगैरह और इसके ट्रीज के दिखने चाहिए, ऐसे दिखते नहीं है कहीं। आप कभी इधर जाएंगे चापी साइड जाएंगे, चापी रोड साइड में ही मेरा एक प्लांटेशन किया हुआ है 2019 का। अच्छा। उसको आप देखेंगे मिसलेनियस प्लांटेशन किया हुआ है और उसमें 2019 से आज तक उसमें आग नहीं लगी है। 2019 से वेरी गुड, हमेशा से लगती है, हम केयर भी करते हैं और हमने से बांज आंवला और जो है तिमला इस सब चीजों की लगाया है, पीपल लगाया है ताकि वहाँ बेल लगाया है, ये सब अभी सक्सेस है, उसको पूरा प्रयास हो रहा है, कभी आपका जाने का मौका हो तो आप साइड में उसको। सर ये जो आप प्लांटेशन करते हैं पाइन फॉरेस्ट के साथ और ट्रीज को जो प्लांट करते हैं, इसकी जो देख रेख होती, प्लांटेशन तो एक बार हो जाती है, उसके बाद जो फॉलो अप होता है क्या उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही करता है या आप कम्युनिटी या जो भी गांव वाले हैं उनको ये रेस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं? क्योंकि आप लोग तो हर जगह हर समय, आप लोगों के पास तो लंबा चौड़ा एरिया होता है, तो अगर ये गांव वालों को दिया जाए ये काम, वो फॉरेस्ट तो उनके अपने हैं, मतलब उनका एक लगाव तो होता ही है चाहे कुछ भी हो, तो इस तरह से दिया जाता है क्या गांव वालों को? बिल्कुल, हमने वहां जो है हर चॉइस में पहली प्राथमिकता रहती है कि उसका रोजगार गांव वालों को ही दिया जाए, जो भी काम है गांव वाले ही करें, और उसमें 3 साल में चौकीदार रखते हैं उसी गांव का होता है। कोशिश करते हैं महिला समूह वाले भी आ जाएं, उससे भी सहयोग लेते हैं ताकि हमारा रोपण बचा रहे, इतना सरकार का इन्वेस्ट हुआ है तो कुछ इसमें दिखना चाहिए और पर्यावरण के लिए हित के लिए। सर एक बात और बताइए, आपको क्या लगता है कि कब तक, कितना टाइम और लगेगा जब हमें पाइन के साथ केवल मोनो मतलब केवल पाइन फॉरेस्ट ना दिख के हमें मिक्स फॉरेस्ट दिखने लगेंगे, कितना टाइम और लगेगा? अब ये तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि पाइन भी अभी काफी मात्रा में है और पाइन भी खाली पहाड़ होने से पाइन है, कुछ इन्वायरमेंट से बिल्कुल ठीक है क्योंकि एकदम पहाड़ी होने से जिसमें कुछ ना हो उससे पाइन ठीक है। नेकेड पहाड़ से बेटर है। यस, अभी हो रहा है, प्रयास किया जा रहा है कि इसमें जो है अंडर प्लांटेशन कर रहे हैं और अभी सफल हो रहे हैं। सर आपकी कम्युनिटी से क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या उनको नहीं करना चाहिए, और सपोज फायर लग जाती है तो उनको क्या करना चाहिए, उस केस में क्या करना चाहिए, आप क्या कहना चाहेंगे जनता से? पहले तो जनता से यह मैं निवेदन करूंगा कि कहीं भी किसी तरह की जलती भी माचिस तिल्ली को ना फेंके, किसी प्रकार की कोई ऐसी अग्निजनी ना करें जिससे कि कोई हमारे जंगलों को आग लगे और इससे नुकसान हो, और उनको जो है ये कहीं भी अगर दिखता है किसी पर्यटक द्वारा लगा दी गई है, अगर आग की जरा होती है तो उसकी सूचना हमारे वन विभाग के, हमने उसके नंबर दे रखे हैं, आपदा कंट्रोल रूम में कर सकते हैं,
राज्य आपदा कंट्रोल में कर सकते हैं, जिला कंट्रोल रूम में कहते आपदा के नंबर है, सभी जगह स्थान स्थान पर लगाए गए हैं, वो उसको बताए ताकि समय से हम भी करें और वो भी समय से हमको उसको कंट्रोल अपने प्रयास करें, तभी हमारा सफलता हो सकती है। यह पाया गया है कि अक्सर फॉरेस्ट फायर की वजह ना तो लाइटनिंग होती है और ना ही शॉर्ट सर्किट होती है। ऐसे में उंगली जनमानस की ओर ही उठती है। इसका एक और प्रमाण है 2020 में लॉकडाउन पीरियड में सबसे कम फॉरेस्ट फायर की घटनाएं रिकॉर्ड हुई हैं। आज हर दिन पर्यावरण दिवस मनाने की आवश्यकता है। शिक्षा विभाग से अनुरोध है कि पर्यावरण को आज के परिपेक्ष में पाठ्यक्रम से जोड़ा जाए। स्कूल्स इस दिशा में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। टूरिस्ट से हाथ जोड़कर विनती है कि पर्यावरण को दूषित ना करें। आज हम सबको पर्यावरण के प्रति प्रेम और समर्पण का भाव लाना होगा। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं पर कंक्लूड करती हूँ। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपनी ओपिनियन शेयर करिए। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। फिर मिलती हूँ आपके अपने ही YouTube चैनल मंजूषा एन इन्फ्लुएंसर में। स्टे ब्लेस्ड।